तो एक महाशय हैं हमारे दोस्त, जो हमारे बचपन के यार हैं। उनकी एक बड़ी खास बात यह है कि किसी भी इमोशन को वो फील करते हैं तो बड़ी इंटेंसिटी के साथ फील करते हैं। उनकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर समझ लेते हैं कि आज कचौरी खा ली 10 रुपए की, आ हा, मजा आ गया। कचौरी खाते हुए भी जो वो लुफ्त उठाकर जिस फीलिंग से खाते हैं वो कचौरी, अब ये तो एक उदाहरण की बात है, ये तो एक एग्जाम्पल की बात है। इसी तरह से चाहे दुख हो या चाहे खुशी हो, इंटेंसिटी मैक्स। ऐसे में हुआ क्या कि कॉलेज में इन महाशय को एक लड़की पसंद आ गई। उस लड़की से मिले हुए इन्हें हुए थे कुछ 1-2 हफ्ते और इन्होंने कर दिया उन्हें प्रपोज, और लड़की ने कह दी हाँ। कुछ ही महीने बीते इन्हें बात करते करते और इन्होंने ख्याली पुलाव पका लिए थे शादी के। इन्होंने घर पे बता दिया मम्मी को कि मम्मी मैंने लड़की पसंद कर ली है, और मम्मी भी खुश, घरवाले खुश, हमारे मित्र ये महाशय खुश, सभी खुश खुश सेलिब्रेट करने लगे और मेरे पास आए कि भाई आज तुझे पार्टी दूंगा मैं। मैंने कहा बता भाई क्या हो गया, किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है। और हंसते हंसते खुश होते होते कूदते कूदते, मतलब पांव जमीन पर नहीं थे, इन्होंने मुझे पार्टी दी, हमने खूब सेलिब्रेट किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने ही बधाई दी कि चलो अच्छी बात है, हमारा दोस्त खुश है। खैर जाते जाते मैंने सिर्फ एक चीज कही कि भाई थोड़ा सा संभल के रहना, फिर भी बैलेंस रखना चीजों का। तो उसे ये बात बुरी लग गई। मैंने कहा यार मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, बस मैं ये कह रहा हूं कि अभी तुम दोनों को मिले हुए कुछ ही समय बीता है, थोड़ा धीरे धीरे चीजों को बढ़ाओ, झटके से क्यों करना है सब चीजों को, आराम से हौले हौले चीजें फील करो, समझो एक दूसरे को, उसके बाद कुछ सोचना। तू मुझे मत सिखा, तू बस पिज्जा खा, तू सेलिब्रेट कर, तू तुझे पार्टी दे रहा हूं, तू पार्टी ले, बस टिका टिप्पणी मत कर। मैंने कहा चलो ये भी सही है, ये भी ठीक है। कुछ महीने बीते, यही बात मेरे दोस्त ने उस लड़की के साथ शेयर की कि मैं देखता हूं हमारा फ्यूचर एक साथ, मैंने घर पे शेयर कर दिया है तेरे बारे में, और तुम भी बताओ अपने घर पे और फिर हम मीटिंग करवाते हैं हमारी फैमिलीज की। ये बात सुनते ही वो लड़की हो गई शॉक, बहुत जल्दी कर रहे हो यार तुम, कुछ टाइम चाहिए मुझे। एंड शी वॉज लाइक इतना डेस्परेट क्यों है तू रिलेशनशिप को लेकर। तो ये बात सुन के ही मेरे दोस्त के चेहरे से रंग उड़ गए, जितनी उमंगे सजा रखी थी महाशय ने, जितने रंगीन फ्यूचर देख रखे थे मेरे दोस्त महाशय ने, वो सभी रंग उड़ गए, वो सभी चीजें बैक टू नॉर्मल आ गई। बॉलीवुड लाइफ चल रही थी बैक टू ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हो गई। और यही दुख के साथ कुछ हफ्तों बाद उसने मेरे साथ ये बात शेयर की, उसने कहा यार जीने की उमंग ही नहीं बची यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ाई भी नहीं करनी, कॉलेज जाने का मन नहीं करता। मैंने कहा अचानक से क्या हो गया, अभी सब अच्छा चल रहा था, इतना हो क्या गया, छोड़ ना यार, जाने दे, दुनिया ऐसी ही है, कुछ किसी पर भरोसा करने लायक ही नहीं है। अब रियलिटी कुछ ऐसी थी कि उस लड़की ने इससे मिलना बंद कर दिया, कॉल्स आंसर करना बंद कर दिया, वगैरह वगैरह चीज़ें। उसने ये सब बातें मेरे साथ शेयर की मेरे दोस्त ने। मैंने कहा अब इस मोमेंट पर अगर मैंने थोड़ा सा भी हंस दिया तो मेरी पिटाई हो जाएगी और दोस्ती टूटेगी वो अलग, फिर नाराज़ हो जाएगा, फिर मनाना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी अलग। मैंने कहा यार कोई बात नहीं दोस्त, चलते हैं, चलो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ खाते हैं आज, मन हल्का कर लो थोड़ा सा,
यार मुझे कुछ पसंद ही नहीं आजकल, कुछ समझ नहीं आता, कुछ खाने का मन नहीं करता, नींद नहीं आती वगैरह 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 वगैरह। वही राम कथा, हारे वो आशिक टूटे हुए दिल, वही सैड सॉन्ग्स, ब्लैक एंड वाइट लाइफ। मैं मन मन सोच रहा था कि इतनी इंटेंसिटी किस बात के लिए। इसीलिए मैं सभी के साथ ये बार 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 रिपीट करके डंका बजा बजा कर कहता हूँ कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हमारे साथ क्या होता है, एक छोटी सी उमंग दिखती है हमें फ्यूचर में, और उसे अचीव करने से पहले ही हम यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, हम पार्टी मनाना शुरू कर देते हैं। अब इस वीडियो के बनाने का मोटिव किसी की मजाक उड़ाना नहीं है, किसी की फीलिंग्स का हास्य उड़ाना नहीं है, नहीं। इस वीडियो का मोटिव है बैलेंस क्रिएट करना, आपके दिमाग में अवेयरनेस लाना कि बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही कई सारे एक्सपीरियंसेस कई सारे लोग मेरे साथ शेयर करते हैं जब मैं उनसे बात करता हूँ, वन ऑन वन इंटरेक्शन करता हूँ, तो दे आर लाइक सर अभी कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और बात करते 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 जब धीरे धीरे राज खुलते हैं तो राज यही होता है कि टूटे हुए हारे हुए आशिक हैं ये, तो अब इन्हें करियर परसू करने की भी एनर्जी नहीं है इनके दिमाग में, ना ही जिंदगी जीने की कोई उमंग है, ना ही किसी से मिलने की कोई उमंग है, ना ही कुछ आग है कि फ्यूचर में हमें कुछ बनना है। जो पहले थी वो सिर्फ एक चंद रिलेशनशिप में ब्रेकअप की वजह से वो सारी एनर्जी, वो सारा फोकस, वो सारी सीरियसनेस लाइफ को लेकर डिसअपीयर्स, चली जाती है। क्यों ऐसा होता है? सिर्फ और सिर्फ तभी जब हम हर एक चीज को हाई इंटेंसिटी पर फील करते हैं। मैं इसीलिए हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपने कुछ अचीव किया है तो उसको सेलिब्रेट करने का सबसे बेस्ट फॉर्म सिर्फ ये की है कि बस एक छोटी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए आपके चेहरे पे, नॉर्मल सी स्माइल कर लो, आपका पसंदीदा कुछ खाना है वो कर लो, खा लो, कहीं छोटी मोटी ड्राइव पर जाना है खुद से चले जाओ, अल्ट्रा सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट हुई है, यहाँ बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, डजेंट मैटर, आपका सेलिब्रेशन करने का अंदाज वही रहना चाहिए। इसी तरीके से आप अचीव करते हैं बैलेंस, क्योंकि जितना बड़ा सेलिब्रेशन होगा उतनी ही बड़ी, जब अगर कभी कहीं पर आप मुंह के बल या सर के बल गिर के आओगे तो उतनी ही बड़ी आपकी सैडनेस और निराशा होगी, उतना ही बड़ा मातम आप मनाओगे जिंदगी में। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दी है सो हवा में मत उड़ो, आपके बॉयफ्रेंड ने हाँ कर दी है, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो भी हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मित्र, प्यारे। सिंपल सा, आप अंदर से खुश हो बहुत अच्छी बात है, बाहर झलकने की, उसको छलकाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप अचीव करते हैं बैलेंस। जब आप इस बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ को समझ जाओगे तब आपके दिमाग में से ये सब डिप्रेसिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे खाना पसंद नहीं है, ये सभी चीज़ें डिप्रेशन के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। आपको खाना पसंद नहीं आएगा, आपका एपेटाइट लॉस, आपका नींद, स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाएगी, काम करने मन नहीं लगेगा। वाई? सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। मैं बताता हूँ, जब आप बैलेंस अचीव करते हैं तो आपकी एक सोसाइटल इमेज जो है, आपके फ्रेंड्स में इमेज है, वो भी एक मच्योर व्यक्ति की इमेज सेट होती है। क्योंकि आप अगर कहीं पर नाराज होते हो तो आपका गुस्सा भी एकदम हाई इंटेंसिटी वाला होता है, आप सब पर भड़क जाते हो, मार पिटाई करने लगते हो,
इसीलिए आपका कंट्रोल, आपके इमोशंस का कंट्रोल लोगों के हाथ में होता है। इसका मतलब अगर मुझे आपको गुस्सा दिलाना है तो मुझे सिर्फ आपकी चाबी भरनी है और कुछ नहीं, आपकी कैसेट स्टार्ट हो जाएगी। डू यू गेट दैट? इसीलिए ये बहुत ही खास बात कही गई है। एक कोट है, मैं उन राइटर की शायद मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि आपका जो गुस्सा है वो बहुत ही वैल्यूएबल इमोशन है आपका, बहुत ही प्रेशियस है, उसे संभाल कर रखो। गुस्सा हर जगह पर वेस्ट मत करो, छोटी मोटी जगहों पर वेस्ट मत करो। अगर आप छोटी मोटी जगहों पर उस गुस्से को एक्सप्रेस करने लगोगे या वेस्ट करने लगोगे, सो एज अ पर्सन आपकी वैल्यू भी नहीं होगी, ना ही आपके गुस्से की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं आपको कि आप देखिए, जो व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता, छोटी मोटी बातों पर चिढ़ता नहीं है, लेकिन जिस दिन अगर वो गुस्सा होगा उस दिन आसपास सभी साइलेंट हो जाएंगे, वो समझेंगे कि आज कुछ सीरियस बात है, इसकी बात पर ध्यान देने लायक है, क्योंकि ये व्यक्ति फिजूल में गुस्सा नहीं करता, कुछ सीरियस मैटर होता है, कुछ सच में गुस्सा करने लायक चीज़ होती है, ध्यान देने लायक चीज़ होती है, तभी ये व्यक्ति गुस्सा करता है। इसीलिए सभी लोग अटेंटिव रहते हैं आपके गुस्से को लेकर, आपकी नाराज़गी को लेकर, वहाँ पर आपके इमोशंस की भी वैल्यू होती है। इसी तरह से आप अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं। आपकी कंप्लेन होती है ना कि कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, मुझे सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दिस इज़ द रीज़न। अब ये सब बातें नॉर्मली कोई शेयर नहीं करता आपसे, क्योंकि ये शायद हर कोई नहीं चाहता कि ये कुछ सीक्रेट्स या टिप्स सभी को मालूम हो। क्योंकि हर एक का अप्रोच अलग अलग है नॉलेज शेयर करने का, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि सभी चीज़ें मैं ना बताऊं, कुछ चीज़ें मैं अपने तक ही रखूं ताकि यूनिकनेस रहे मेरे एटीट्यूड में, मेरे बिहेवियर में। सो कुछ बातें आपको बताते हैं जहाँ पर आप आधा अधूरा ज्ञान सीख कर चीज़ें फील करने लगते हो, समझने लगते हो, ज़िंदगी जीने लगते हो। यही कहा गया है कि आधा ज्ञान बेकार जाता है, आधा ज्ञान इज वेरी डेंजरस। आधे ज्ञान से बेहतर है कि अज्ञानी होना, ज्ञान नहीं होना। सो बेटर है कि कोई भी चीज को अगर समझो तो बैलेंस के साथ समझो, राइट? मुझसे किसी ने कुछ 3-4 दिन पहले ही, मेरी ऑडियंस में से किसी व्यूअर से बात चल रही थी इंस्टाग्राम पे। ज़्यादातर मैं कभी कभार किसी की कुछ पर्सनल बात होती है वो शेयर करना चाहते हैं तो मैं वो कॉल्स अटेंड करता हूँ, और मैंने उन्हें जब ये कहा कि आप इतने एक्सप्रेसिव क्यों हो, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, मुझे कुछ जीने की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा इतना सारा आप मुझे क्यों बता रहे हो, आप इतना एक्सप्रेसिव फिर आप नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी होगे शायद, इसीलिए आप इतनी इंटेंसिटी से कोई चीज़ फील कर रहे हो। अब हुआ ये था कि उनका ब्रेकअप हुआ था रिसेंटली, इसीलिए वो ये सब चीज़ें फील कर रहे थे। मैंने उनसे ये पूछा कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा तब आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, इसीलिए वो ब्रेकअप हुआ तो आप उतने ही, इनफैक्ट उससे ज़्यादा दुखी हो आज। सो इसका रीज़न ब्रेकअप होना नहीं है, इसका रीज़न ये है कि आपको खुशी पचाना नहीं आया, आपको खुशी को सही तरीके से सेलिब्रेट करना नहीं आया। इसीलिए अगर वो चीज़ आपसे छूटी, वो व्यक्ति का रिलेशनशिप आपसे छूटा और आप आज ज़्यादा दुखी हो, समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? खुशी को व्यक्त करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक मुस्कुराहट, साधारण सी मुस्कुराहट, नॉर्मल सी मुस्कुराहट, नॉर्मल सी एक स्माइल इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस। Enjoy. और सबसे बेस्ट तरीका अपने दुख को व्यक्त करने का है, अंदर ही अंदर समझो कि आपको दुख हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आपने 3-4 आंसू टपका लिए, दैट्स इट। चिल्लाना, चीजें तोड़फोड़ करना, लोगों के माथे फोड़ना, किसी से झगड़े करना,
वगैरह वगैरह हजार तरह की चीजें करते हैं लोग जब गुस्से में होते हैं, दुख व्यक्त करना होता है तो दुख उनसे झेला नहीं जाता, इसलिए वो एक्सप्रेस करते हैं इन डिजास्ट्रस फॉर्म्स ऑफ एंगर। सो इसी तरीके से समझना है हमें कि खुशी व्यक्त करने का एक सिंपल सा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका है एक नॉर्मल सी स्माइल, एक मुस्कुराहट, दैट्स इट। और दुख व्यक्त करने का सबसे बेस्ट फॉर्म है कि तीन चार आंसू खुद से टपका लिए, थोड़ा सा दुखी हो गए, दैट्स इट। किसी भी चीज की एक्सट्रीम इंटेंसिटी पर हमें खेलने की जरूरत नहीं है। तो आपकी लाइफ में से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ यू नो एंगर, सैडनेस, मिजरी एंड इवन यू नो ट्रेमेंडस फॉर्म्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में से एलिमिनेट हो जानी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ जिए। आप मुझसे ये क्वेश्चन मत करो कि सर मुझे हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, बिल्कुल मत करो क्वेश्चन ये मुझसे। आप कितने सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते, कितने सारे लोग कमेंट्स में इस चीज़ को लेकर क्यूरियस होते हैं कि सर मुझे मेरी लाइफ में खुशी नहीं है, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस, व्हाई डू यू इवन वांट टू अचीव हैप्पीनेस, व्हाई आर यू चेजिंग इट। जिस दिन आप चेज करते हो हैप्पीनेस को, जिस दिन आप अचीव कर लोगे, आपसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा उस दिन, आप ज़मीन पर रहोगे ही नहीं। इसीलिए आपको नहीं मिलती खुशी, क्योंकि आपको अभी तक खुशी पचाना नहीं आता। सो पहले हमें उसे लायक बनना है कि मुझे समझना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है, उन सब चीज़ों को लेकर भी मैं खुश हो सकता हूँ। मैं आज इतना ज़्यादा दुखी हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे किस चीज़ को लेकर खुश होना है, किस चीज़ को लेकर दुखी होना है। जब हमारे अंदर बैलेंस आता है उस दिन हम समझते हैं कि मुझे किस बात पर कितनी खुशी व्यक्त करने की जरूरत है। दैट इज इट, देयर इज नथिंग एल्स टू डू विथ योर इमोशंस। ऑलराइट, आई जस्ट होप आई मेड सम सेंस एंड ऑल्सो आई जस्ट होप कि इस वीडियो से हम थोड़ी बहुत अवेयरनेस ला पाए रिगार्डिंग योर इमोशंस एंड हाउ टू डील विथ एंगर, हैप्पीनेस, ग्रीफ, जॉय, ये सभी डिफरेंट कैटेगरी के, वेरियस कैटेगरीज ऑफ इमोशंस हैं, राइट? सो हाउ टू अटेन बैलेंस, हाउ टू मेंटेन दिस बैलेंस, इस बारे में हम थोड़ी अवेयरनेस ला पाए, आई जस्ट होप। एंड ऑल्सो अगर आपने इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो नहीं किया है और आपको ये वीडियोज पसंद आ रही है, सो आप इस पेज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड टिल देन रिमेंबर, कीप शाइनिंग।